इजीबैक 200 ओरल सस्पेंशन जो कि इपका लेबोरेटरीज के द्वारा बताया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन 200 एमजी एंड 5 एमएल डाला गया है। ये एक प्रिस्क्राइब ड्रॉप है जो कि पेडियाट्रिक डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड किया जाने वाला ड्रॉप है तथा 15 एमएल का एक छोटा सा ड्रॉप रहता है जिसका एमआरपी 51.58 रुपीज रहता है, मतलब 50 रुपए के करीब ये ड्रॉप सस्पेंशन रहता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है जब बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो इसका डोज कितना रहता है, इसको किस टाइम पे दिया जाता है तथा इसको कब तक देना पड़ता है, तो संपूर्ण बातें इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो इस अगर सस्पेंशन को आपके डॉक्टर ने आपके बच्चे के लिए रिकमेंडेड किया है तो हमारा वीडियो पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये ड्रॉप किस काम का और इसको कब दिया जाता है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एजीबैक 200 ओरल सस्पेंशन जो कि ट्रीटमेंट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब जो टोनेंसिटी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या ईयर में, नोज में या थ्रोट में या स्किन या सॉफ्ट टिश्यू या लंग्स में होता है, तब ये डॉक्टर के द्वारा रिकमेंडेड किया जाता है। अगर आप डॉक्टर की सलाह से नहीं ले और खुद से दे रहे हो, बच्चे को ज्यादा दे रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि बच्चे को उल्टी हो सकता है, नोजिया हो सकता है, एबनॉर्मल पेन हो सकता है और डायरिया हो सकता है। ये सब कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपको ये सस्पेंशन डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर जितने दिन तक बोले और जितना डोज बोले उतना ही पिलाने का, जब भी पिलाए तो इसके लेबल को अच्छी तरह से पढ़ ले तथा इसके अंदर एक स्पून दिया गया जिसकी सहायता से पिलाए और इसको पिलाने से पहले सीक्वेल करे बोतल को ताकि पूरा मिक्स होके अच्छे से बने और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिले। जीबैक 200 ओरल सस्पेंशन जिसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन 200 एमजी डाला गया है जो कि एक एंटीबायोटिक है। ये काम कैसे करता है कि जो एसेंशियल प्रोटीन जो रिक्वायर्ड रहता है बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए, तो उसको प्रिवेंट कर देता है, उसको स्टॉप कर देता है ताकि बैक्टीरिया तक एसेंशियल प्रोटीन नहीं पहुंचेगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा और बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होगा और स्प्रेडेबिलिटी नहीं होगा। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होने वाला एक सिरप है जो कि बच्चों को दिया जाता है। तो अगर आपके किसी भी फिजिशियन ने आपके बच्चे के लिए ये रिकमेंडेड किया है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।